या रोबर आऊज बिललाहि व मलाइकातुहु यस्लून अला नबी आमनु, अय्युहल लजीना आमन सल्लु अलैहि व सल्लम तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली व नबीयना व शफीयना व मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद वबारक वसलम मोहतरम ख़वान हज़रा अल्लम पयाम सुब के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बानीक अहमद क़रण करीम की मख्तलि आयात पर गुफ्तु होती है पीर मंगल बुध और जुम्रात को जुम्मा और हफ्त सवाल वजवाब के सैशनस होते हैं हमारे अहद के जैद मुफ्ती साहब उन दो दिनों में यानी जुम्मा और हफ्ता तशरीफ़ लाते हैं और आपकी जा, आपकी जानिब से आए हुए सवाल हम मुफ्ती साहब की ख़मत में रखते हैं हासिल करते हैं उनसे कुरान सन्नत की रोशनी में अपने लिए रहनुमाई लेकिन पीर मंगल और जमेर पीर मंगल बुध और जमेरत इन चार दिनों में हम क्या करते हैं कि हम इन चार दिनों में कुरान करीम की मुख्तलिफ आयात पर गुफगू करवाते हैं अपने अहद के जैदमा से और करीम सेबत हासिल करने की कोशिश करते हैं हमारे उलमा को अल्लाह सलामत रखे तशरीफ़ लाते हैं और कुरान करीम के मान और मफाही बिल्कुल वाज़े करके बहुत ही आसान तरीक़े से हम तक मुंतकिल कर देते हैं ख़वान हुज़रात आज की आयात सूर हुज़रात की आयात एक और दो अहले ईमान से मुखात हो रही है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ख़वातिनत अदब आदाब सिखाए जा रहे हैं सिखाई जा रही है अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम से ताल्लुक बताया जा रहा है कि या यो लज़ीना लातकद्दमू बैना यद्ला व रसूल वत यहाँ से बात शुरू हो रही है कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्ला वसल्लम से पेशकदमी ना करो उनसे आगे बढ़ने की कोशिश ना करो क्या माना है इसके पेशकदमी से क्या मुराद है अल्लाह और अल्लाह के रसूल वसल्लम जो हुक्म फरमा दें बस उस पर रुक जाओ अपनी राय अपना ख्याल वो पेश करने की कोशिश ना करो और ख़बातिन एक सवाल हम ये भी रखेंगे कि यहाँ पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल वसल्लम दोनों को रखा गया है मैं तेर अल्लाह रसूल की इतात अल्लाह की इतात है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर खातिन हजरात फिर अगली आयत है या तरफ असवा सोतिन नबी अपनी आवाजों को नबी की आवाज से बुलंद ना करो खतिन हुजरात बहुत सारी बातें इस जैल में होंगी तशीफ फरमा है हमारे मुल्क के मुमताज़ आलम दीन पयाम सुब का लाजमी जुज़ तशीफ लाते हैं और हमारी इलमी कमी को दूर फरमा देते हैं मोहतरम मौलाना शजाउद्दीन शेख साहब ख़वातिनजरात एक जाना माना नाम मीडिया के ताल्लुक से कौन है जो आपकी खिदमत से वाकिफ़ नहीं दीन की खिदमत कर रहे हैं तवील अरसे से कर रहे हैं आ, शेख साहब पर अल्लाह ताला अपनी रहमतें हमेशा निछावर करता रहे शेख साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज अल्लाह ताला के बाबरकत के नाम से सूरह हुजरात और आयत एक और दो بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون صدق الله العظيم ए लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह और उसके रसूल सल्ह वसल्लम के आगे पेश कदमी ना करो और अल्लाह से डरो अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है ए लोगों जो ईमान लाए हो अपनी आवाज़ नबी सल्लल्लाहु सह वसल्लम की आवाज़ से बुलंद ना करो और ना नबी सल्ला वसल्लम के साथ ऊंची आवाज़ से बात करो जिस तुम आपस में एक दूसरे से करते हो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा किया कराया सब गारत हो जाए और तुम्हें खबर ही ना हो सद अल्लाजीम खौत नजरात इससे पहले कि हम मोहतरम शेख साहब की ख़िदमत में आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल रखें कल के पूछे गए सवाल का दुरुस्त जवाब और आज का सवाल आपकी ख़िदमत में कल का सवाल ये था कि अल्लाह तला ने किस कौम को गाय जबाह करने का हुक्म दिया था दुरुस्त जवाब कौम बनी इसराइल को आज का सवाल नोट फरमा लीजिए किस पैगम्बर की कौम पर ऊँटनी को कत्ल करने के नतीजे में अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ था तीन ऑप्शंस हजरत यूनुस यूनूसम की कौम पर या हज़रत याजरत सलम की कौम पर या हजरत अय्यूब ऐबलम की कौम पर जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए हमारे फ़ोन नंबर्स हैं जीरो ज़ीरो नाइन डबल टू वन थ्री फोर फाइव टू सेवन डबल जीरो नाइन हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है ज़ीरो ज़ीरो नाइन डबल टू वन थ्री फोर थ्री डबल ज़ीरो नाइन एट जीरो हमारा ई मेल एड्रेस पी एस एट दुनिया टी वी डॉट टी वी हमारा एस एम एस का नंबर थ्री जीरो थ्री वन और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है ज़ीरो जीरो, जीरो नाइन टू थ्री टू वन एट टू फाइव ज़ीरो वन नाइन फोर हजरत इरशाद फरमाइए ये बड़ी बहुत अहम तरीन आयात हैं एक सबक देती हैं रहने का सलीका सिखाती हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल वसलम के मकाम को और मरतबे को वाज करती हैं मैंने एक बात कहने की कोशिश की थी कि, कि अल्लाह और रसूल दोनों को साथ साथ रखा गया है इरशाद। इर्शा नहमदूल सल रसूल करीम्मीलर वल महमद महमद वबारिक वसल और ये बड़ी कीमती सूरत है सुरतुल हजरा कई मरतबा इसकी मुख्तलिफ़ आयात पर कलाम भी हुआ और हमारे पाकिस्तान की कई यूनिवर्सिटीज़ में अब भी अलहमदिल्ला ग्रेजुएशन के सलेबस में सुरतुलुजरात को रखा गया है अठारह आयात हैं और अल्लाह ताली ने हमें हमारी मिली ज़िंदगी के लिए सियासी हवाले से माशरती हवाले से बैनवा अमूर के हवाले से मुसलमानों के इतहाद को क्या चीज़ें पारा पारा कर देती हैं <ff>? <joystick> इन सारे पहलुओं के हवाले से अट्ठारह आयात में बहुत जामी हिदायत अता फरमाई जहाँ तक, तक पहली आयत करीमा काल्लु है जिसमें फरमाया जा रहा है कि ईमान वालो ला तुक दिम बद व रसूल ही अपने मामला को अल्लाह तला और उसके रसूल आनी सलात से आगे ना बढ़ाओ इस पर मुफसरीन ने फरमाया किसी खास मामले का जिक्र नहीं कि भाई इबादत का मामला हो मामला का मामला हो लेन देन का मामला हो घर घर हस्ती के मामला हो नहीं उसके रसूल सलात ने हु फरमा दिया Allah कोई बाउंड्री सेट कर दी तो अब तुम तो उस बाउंड्री के अंदर तो रह सकते हो बाहर नहीं निकल सकते किसी चीज को हराम करार दे दिया तो उसका इतना और जिस चीज को अल्लाह और उसके रसूल ने लाजम है समझने का यह है कि जिस तरह अल्लाह चाहता है कि एक बंदा मुमिन अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अल्लाह और उसके रसूल के आहकाम का पाबंद रहे ग्यारह मरतबा अल्लाह तुरान में फरमाता है अति और रसूल अल्लाह ताला के रसूल सलाम की जहाँ एक एक बंदे मोमिन पाबंद है कि अल्लाह तलाम की सांचे में ढलता चला जाए वही एक मुसलमान माशरा हो एक मुसलमान बल्कि इस्लामी रियासत हो और ग्लोबल लेवल के ऊपर अल्लाह तहते इजमाही मामलाती जिंदगी भी अल्लाह तला और उसके रसूल अलातम की इतात के ताबे हो जाए और इसकी बड़ी बेहतरीन तर्जमानी खुशकस्मती से पाकिस्तान के आइन में भी लिखी हुई हम तय किए बैठे हैं सारी दुनिया में जब सेकुलरिज्म का डंका बजने लगा हमने कहा नहीं सॉवरिटी बिलोंग्स टू तो अल्लाह हाकमियत हमारे लिए नहीं हाकमियत अल्लाह सुबह के लिए है और नो लेजिस्लेशन वुड बी मेड कुर सुन्ना कोई कानून साजी कुरान सन्नत के खिलाफ नहीं होगी ये जो आज हम तय किए बैठे हैं पिछले चौहत्तर बरस से कम उबेश हमारे आइन का हिस्सा है ये कुरान करीम की इस आयत करीमा की बेहतरीन तर्जमानी है जो हमारे सामने आ जाती है और हम है। वो हैं मुसलमान ने पाकिस्तान दो अरब का मुबेश मुसलमानों में से जिन्होंने अला वजील बसीरत ये ऐलान किया कि वो जो नारे गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाई दीपल आवाम कीवाम करेंगे अवाम के लिए करेंगे हमने उस नारे का रद्द किया है और हमने अपने आप को अल्फाज में तो सरेंडर किया अल्लाह ताला उसके रसूल के सामने लेकिन बात है कि सिर्फ अल्फाज में सरेंडर करना काफी नहीं इन नहीं। अल्फाज का रिफ्लेक्शन हमारे में और हमारी माशरत में मीशत में सियासत में अदालत में निज़ाम और निज़ाम हुकूमत में नजर आई <laughs> ये इस आयत करीमा का तकादा हमारे सामने आ रहा है और एक जो आपने शाद फरमाया उस बात को जरा मुकम्मल कर लें कित

अल्लाह को अपना रब मानने के बाद ईमान लाने के बाद और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद कल में तय्यबा पढ़ लेने के बाद क्या किसी शख्स यानी मुसलमान के लिए ये यानी उसे मजाज़ है वो क्या यह मजाज हो सकता है नाविल्ला नावज़िल् नाऊजिल्ल के वीनी मामला में या अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम के बताए गए अहकामात के बाद भी अपनी राय अपना ख्याल पेश कर सके कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है मैं इसको मज़ीद वाज़ करता हूँ कि आज हमसे ज़्यादा आप जानते हैं आज तरह तरह की बातें आती हैं तरह तरह के ख्याल आते हैं कि दुनिया अब बदल गई है दीन के मामलत वो अहकाम एज इट इज़ नहीं लिए जा सकते नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला अभी आपने कुरान करीम की आयत तिलावत फरमाई कि मा आता को रसूल फूह हो वम नहा मनो फंत हो जो रसूल दे वो ले लो जिससे रोग ने रुक जाओ और किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत के लिए ये शाया नहीं है कि अल्लाह के रसूल किसी के ताल्लुक से किसी बात के ताल्लुक से फैसला सुना दें

और औरत के लिए शाएद शाएद शान ही नहीं मसला खाने पीने के मामला बता दी कि सारा कुछ हल जो चाहोसो खाओ कोई हरज की बात नहीं दिए बल्कि मैं चाहता हूँ हदी से मुबारक भी आ जाए कि वो बाउंड्री का मतलब क्या अल्लाह के प्यारे रसूल आलिस्लाम ने इरशाद ये फ़रमाया कि मोमिन का मामला एक घोड़े की मानंद है जैसे घोड़े को आप एक जगह बांध देते हैं एक रस्सी उसके गले में होती है पाँच फिट की होगी दस फिट की होगी वो राइट जाए लेफ्ट जाए सामने जाए पीछे जाए दो फिट पे जाए छः फिट पे जाए वो सब कुछ कर सकता है लेकिन वो दस फिट से आगे नहीं, नहीं जा सकता इस दस फिट के अंदर उसको इख्तियार अता कर दिया गया कुरान पाक कहता है ना फ़ल् फ़लाँ फ़लाँ तुम्हारी महरम खवातीन हैं इनसे निकाँह हराम है बाकी औरतों से निकाह कर लो तो जहां हुरमत बता दी गई वहां तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं हरमत को तुम पामाल नहीं कर सकते बाकी उमूर के तुम्हें ऑप्शन दिया गया दोपहर में ये खाना चाहते मैं रात में वो खाना चाहता खाओ हराम नहीं खा सकते क्लैरिटी भी रहे कि इतना भी नहीं कर दिया कि हमारे अंदर कोई जज्बा और एहसास उनको कुचल दिया गया हो फ्लैक्सीबिलिटी अता की गई मगर बाउंड्री सेट कर दी गई तो एक तो ये मकाम सहजाब में किसी मोमिन मर्द और बात की गुंजाइश नहीं बनती कि जहां अल्लाह और उसके सलाम ने कोई फैसला फरमा दिया अब वो अपने लिए ये जो नारे आज कल चलते जायज नहीं है मैंगो जूस पी कोई नहीं मसला नहीं मगर यह मर्जी अगर तो यह गलत हो जाएगी बात फिर क्या होता है कुरान कहता है

फैसला करने वाला तस्लीम ना करें Allah. फिर जो आप हुक्म अता फरमा दे उस पर कोई तंगी महसूस ना करें और वो यूसलीमो तस्लीमा मुकम्मल तौर पर जब तक सरेंडर ना कर दे ये ईमान वाले हो ही नहीं सकते आपका सवाल असल में क्या था क्या किसी मुसलमान के लिए गुंजाइश भी है कि अल्लाह का हुक्म आ चुका हो रसूल का आ चुका हो वाजिब का, होगा, यह का होगा और अब मैं ये कहूं दो हजार में आज बैठा हूं इक्कीस सदी केकादे हैं तो जरा चलो कुछ अपनी अकल को जरा इस्तेमाल कर लिया जाए किस मैदान में जहां सेट हो चुका है मामला जहां फैसला आ चुका है तो कहां का इख्तियार बचा या तो फिर अपने ईमान को बंदा रिविजिट करने की कोशिश करे कि ईमान बचा भी कि नहीं बचा और फिर यह एक इल्जाम जाएगा बड़ा सख्त जुमला मैं कह रहा हूं अल्लाह दीन मुकम्मल नहीं फरमा दीदा के शुरू में और विदा के मौके पर आए थे दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल फरमा दिया तो कोई गुंजाइश करेट अपन मामला की बात कर रहा हूँ कोई के नौतला आएंगे नया मामला आ गया तो वो अच्छा हम शुमा मुझे ऐसे दो फैसला नहीं करेंगे वो जो इश्ते बसीरत रखने वाले अहमदिन होंगे किताबोसन्नत के दलाइल नजायर को सामने रखकर मसले का हल बता देंगे लेकिन जो अग्रीड अपॉन मुसलमा मामला हैं उनको खेल उनके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करना और उनके अंदर नई नई बातें शामिल करने की कोशिश करना यह किसी साहिब ईमान का तर्ज अमल हो ही नहीं सकता सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह जो जैसे आपने बात फरमाई कि अग्रीड अपॉन कि जो बातें बिल्कुल तय हो चुकी हैं ना जो फंडामेंटल जैसे हम कहते हैं बुनियाद वो तब्दील क्यामत तक नहीं हो सकते हाँ नए मसाइल क्लोनिंग है नया मसला सूरज नहीं निकलता मतलब है। है। नोआमदाइल उनको देखा जाएगा और आपने क्या अच्छी बात फरमाई कि एक आम आदमी नहीं देखेगा बल्कि वो जयद ओलामा जी अकाबिर ओलामा जी वो बैठेंगे और उसके बाद उनकी तहकीक के बाद उनके गौर व खौज के बाद नतीजा बरामद होगा लेकिन वो भी नतीजा वो होगा जो मनशाए रसूल होगा मिजाज रसालत से मुताबिक रखता हुआ जी। होगा और जिसमें आसानियां उस मान में तलाश ना की जाए कि अल्लाह के दीन के तकादों से फरार इख्तियार करने का मामला हो अल्लाह बल्कि मिजाज रसूल तो यह है मिजाज दीन तो ये है, तो है कि बंदा इस सारी मेहनत के बाद उस नतीजे पर पहुंचे कि जो रूहे दीन के साथ मुताबिक रखता हो जिसमें दीन से फरार ना हो दीन से मुताबिक और दीन के ताबे रहने वाली जी बात हो ये वो ना हो जाए

फिर लम्हे मौजूद किस किस मामले में आज हमें ये आयत गाइड कर रही है पहले ही जरा शान नजूल की आप बात फरमाइए फिर हम जोड़ेंगे हालत हाजरा से कि हमें सरकार दो आलम सल्ह वसलम की आवाज़ से अपनी आवाज़ को कैसे पस्त रखना है अल्लाह जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अनी साहब पहला नुकता इसमें आपकी गुफ्तु के साथ ये अर्ज कर दूँ कि जो पहली आयद करीमा है वो उम्मत को एक उसूली बुनियादी रहनुमाई इजमाई मिली मामलात के लिए अता कर रही है फ़र्द भी ताबे रहे अल्लाह रसूल अलैहिस्सलाम के और पूरी इज्तिमा भी ताबे हो जाए रियासत की सतह पर भी अल्लाह रसूल अलैहिस्सलाम के अहकाम। दूसरा एक पहलू जो तमाम कौमों का मसला रहा है तमाम तहजीबों का अगर आप इजाज़त दें हर कौम को अपना कोई हिरो चाहिए होता है जिसके अखबाल पेश किए जाते हैं जिसकी कोटेशन को पेश किया जाता है जिसकी बातों को पेश किया जाता है ताकि कौम को जोड़ने की कोशिश की जाए हम तो कौम से बढ़कर हैं हमें तो अल्लाह ताला ने उम्मत करार दिया है जी और ये उम्मत बहरहाल दुनिया के सैकड़ों मुल्कों में फैली हुई है आप शुमाल मशरक जुनूब जहाँ चले जाइए मुसलमानों को एक जज्बातीत लगाओ वाली देने वाली वो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की है जी। और मुसलमानों को जमा करने वाली जो उनके मामला में यकसानियत अदा करने वाली वो अलैहि वसल्लम की है सादा सी लाँ दो मिसालें पूरी दुनिया में कहीं मुसलमान बच्चा पैदा हो जाए बहरहाल उसके कान में अदान दी जाएगी बहरहाल साथ में उसका अकीका किया जाएगा और आमाल भी अंजाम दिए जाएंगे ये अल्लाह के रसूल आल्लाम का उसवा है जो दुनिया के हर कोने में रहने वाले मुसलमान को जमा कर देता है इंतकाल का मौका आएगा हर मुसलमान गसल का एहतमाम करेगा मरहूम के लिए मरहुमा के लिए कफन का जनाजे यानी और हर मुसलमान जब नमाज में खड़ा होगा जरा वसी दिल के साथ हमारे लोग सुने हम तमाम मारूफ मकदब का एहतराम करते हैं <custard> कोई मकतब फिक्र बता दे जिसमें जोहर के पांच फर्ज होते हों कोई मकतब फिक्र बता दे जिसमें मगरब के चार फर्ज होते हों <स्यास्यान> कोई मकतब फिक्र बता दे जिसके यहाँ नमाज में एक रकत में दो क्याम होते हों एक रकत में दो रुको होते हों एक रकत में तीन सजदे होते हों ये ियत कहा से आ रही है ये इमाम सल्म की सल ज़ात है तो उम्मतों उम्मत को जोड़ने के लिए अफराध को जोड़ने के लिए एक शख्सियत की जरूरत होती है जिसके साथ एक जज्बाती लगाव और वाबस्तगी भी होनी चाहिए लेकिन ये आयत करीमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब और एहतराम के हवाले से ये पूरे कुरान पाक में सबसे ज्यादा हसास तरीन आयत है क्या आता हो रहा है अपनी आवाजों को नबी अली सलाम की आवाज़ से बुलंद ना करो ये दरबार दरबारत के आदा है बताए जा रहे सल्ला आज सल्ला भी रसूल, भाले रसूल, भाले सल्ला भाले रसूल। भाले वाले वाले पर अल्लाह हम हाज़री अता फरमाए आज भी आयत करीमा वहां पर लिखी हुई है अच्छा जब आयत का रुजूल हो रहा है अजीब बात सहाबा कैसे लोग थे रजी मजमिन एक सहाबी उनकी आवाज़ कुदरती तौर पर बुलंद थी अब क्या कर सकते हैं बाद लोगों की आवाज होती जब ये आयत नाजिल हो रही है तो उन्होंने अपने आप को घर में मुक्यत कर लिया और जमात की नमाज़ में भी आना छोड़ दिया तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पूछवाया कि क्या हो गया इनको रसूल उससे तो अपने को कैद कर लिया घर के अंदर कि आप पर ये आयत करीमा नाजिल हो गई वो कहते हैं कि नमाज से कबल या नमाज के बाद किसी से कलाम फरमा रहे हों और मैं कहीं बैठा किसी से गुफ्तू कर रहा हूँ मेरी आवाज़ अगर नबी आसमाम की आवाज़ से बुलंद हो गई तो मेरी तो नेकियाँ बर्बाद हो जाएंगी अल्लाह के रसूल बकरम आलिम ने बुलाया का भी तुम्हारे लिए नहीं है तुम आया करो नमाज जमात की नमाज़ में ये आए थे जिसके नजूल के बाद कहा इतने धीमे अंदाज में गुफ्तु करते रसूल आलत फरमाते भाई अपनी आवाज थोड़ी सी तो बुलंद कर लो तुम्हारी तो आवाज़ ही मेरे कान में नहीं आ रही ये है वो सहाबा जिनों मिन अल्लाह के इन अहकाम पर पूरी स्पिरिट के साथ अमल करके हमें पेश किया है ये तो हुआ जरा जिस आयत जब यह आयत करीमा नाजिल हुई तो सहाबे कराम का तर्ज अमल क्या रहा आप चली जाए बस इतनी बात है ना तो अल्लाह क्या फरमा कि तुम्हारे अमाल हफ्त हो जाएंगे अकारत हो जाएंगे जया हो जाएंगे और तुम्हें शऊर भी नहीं होगा ये ऐसी बदतरीन बात है कि देखिए बंदे ने गुना किया हो और बंदे को शुरूर हो कि उसने गुना किया है तो तौबा भी कर लेगा और बंदे को एहसास ही नहीं कि मैंने को गुना किया तो कहाँ तोबा की तोफीक उसको मिलेगी तो ये दरबार रसालत के आदाब का बयान है कि तुम्हारी आवाज़ नबीम की आवाज़ से बुलंद ना हो और उनके रूबरू इस तरह जोर से कलाम ना करो जैसे आपस में एक दूसरे से कर लिया करते हो मुरादे के वल्ला के रसूल है सल असलम इनकी प्रायमरीली बुनियादी अहम तरीन हैसियत अल्लाह का रसूल होना है इनको आम लोगों भी पर कयास ना करना तो जब दूसरे से बात करते हो तो बड़ा लाइट मोड होता है हल्के अंदाज में बात हो जाती है वो दूसरे लोगों के लिए चलेगा वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं चलेगा आज जिस दौर में हम जी रहे हैं फितनों का भी दौर है और नबी मुकरम अलैहि सलाम की शान अकदस में जो मद्ला गुस्ताखियों के मामला भी चल वाल रहे हैं उस तनादुर में भी ये आयत करीमा एक बड़ी जज्बाती अपील हमारे सामने रखती है कि उम्मती तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो अपनी वो जान वो से, वो बढ़कर वो मुझें। मुझें। अन्फुसी अन्फुसी से बढ़कर मोहब्बत करता है अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम सूरह आजाद की आयत नंबर 6 कि नबी अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ईमान के नजदीक उनकी जानों से बढ़कर अजीज और मुकद्दम हैं और फिर ये आयत करीमा कि अदब 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 है तो ईमान सलामत है और आमाल महफूज हैं और अगर अदब नहीं है तो मुनाफिकीन का अंजाम देखे बकरा में जिक्र आता है अदब नहीं है तो ईमान भी जाएगा हाथ से और आमाल भी जाया हो जाएंगे और अल्लाह ताला फरमा रहे है, इस अंदाज से कि तुम्हें शौर नहीं होगा एक बात जो अस करना चाह रहा था फिर आगे बात बढ़ाएंगे अगर आवाज़ से आवाज़ बुलंद हो तो कोई नबी की निसारत का इनकार कर रहा हो कहाँ खड़ा होगा कोई नबी आसम की सुन्नत की अथॉरिटी का सिरे से इनकार करे रसूल का इनकार कर दे वो कहां खड़ा होगा कोई नबी सलाम की मुबारक अदाएं जो आपके आदाब हैं चाहे वो आपके जाहिर के गेटअप में हो या आपकी और आदाबी जिंदगी हो उनमें से किसी का मदाक उड़ा रहा है आज कोई किसी की दाढ़ी का मदाक उड़ा देता है मादल्ला हमारी बहन बेटी के की चादर का मदाक उड़ा देता है आज हुजूर के वो आदाब जो खाने पीने के बारे में हुजूर ने उम्मत को सिखाए उनका कोई मदाक उड़ा देता है मादल्ला तो गौर करना चाहिए कि वो कहां खड़ा होगा फिर जो लोग नबी आल्लाम की तलीमत के बारे में अब ये कहना शुरू कर दें कि साहब ये जदीद दौर की बात है यू मस्ट बी मेचोर इनफ के यार क्या पुराने जमाने की बातें करते हो नए दौर के कुछ नए तकादे होते हैं ये तो आउटडेटेड डेटेड अस्तफरूल मादल्ला जो इस तरह के कॉमेंट

सरकार दो आलम सल्लल्लाहु सल्व वसल्लम की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद करने के इस दौर में वो आपने वाज कर दिए बयान फरमा दिए मेरा सवाल मीशत का के मामला हैं मीशत के मामला में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु सल्ह वसल्लम के वाज अरशादात यानी कुरान करीम के फरमान के बाद उस पर जब उम्मत आगे बढ़ती है ये सूद वो सूद नहीं है जो सूद होता था क़रीम क्या फरमा रहा है? मिन मन अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर। अब तुम अल्ला और अल्लाह और जंग करने के लिए तैयार हो जाओ ये सूद किसी और फेल के ताल्लुक से इतनी सख्त बात कुरान करीम ने नहीं बयान फरमाई फिर सरकारी दो आलम सल्ला वसल्लम के मसलन यानी सूट सूट का एक बहुत बड़ा मसला सूट का है जी जी औरत औरत का मकाम कुरने करीम क्या फरमा रहा है सरकार दो आलम सल्ला वसल्लम के क्या अहकाम है क्या फरमुदात हैं और ये कि ये औरत को घर से बाहर निकालो असल में औरत जब घर से बाहर निकलेगी नौकरी करेगी तनख्वाह लेकर आएगी तो घर में दो तनख्वाहें आएंगी और घर की मीशत मजबूत हो जाएगी या यो नबी क्या ये उस जुमरे में नहीं आती बात बिल्कुल उस ज़ुमर में आती है जब हमने बात समझी और तय की कि जहाँ वाज हुक्म मौजूद है वहाँ तो इख्तियार ही हमारे पास नहीं अब आपने कुरान पाक की तो आयत तिलावत फरमाई सूरह अल बकरा के आयमत दोस्तों उनासी है कि अगर सूद के मामला को नहीं छोड़ते तो अल्लाह ताला और उसके रसूल अलैहि सलाम से जंग के लिए तैयार हो जाओ रही ये बहस कि आज का सूद वही सूद है वो भाई उन्नीस सौ सड़सठ से आज दो हज़ार इक्कीस हो गया है चालीस पचास बरस से इस पाकिस्तान में बहसें मुकम्मल हो चुकी हैं पूरी पूरी लाइब्रेरीज भरी हुई हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसल की पूरी लाइब्रेरी भरी हुई है और विफाक़ी शरी अदालत की जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट की शरीय बेंच के जजमेंट के अंदर सारे मबाहिस जिसमें सिर्फ उलमा नहीं बेंकर्स भी और लॉयर्स भी और बिजनेस कम्यूनिटी के लोग भी बारह सौ साढ़े बारह सौ पेजिस के वर्ड सारे मौजूद हैं ये सारे इलमी दलाइल के साथ जवाब मौजूद हैं कि जिस सूद को अल्लाह का दीन मना फरमाता है ये आज बैंकिंग इंटरेस्ट भी वही रिबा है इसमें कोई फर्क नहीं है यह तयशुदा दलाइल के साथ सारी बातें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं अलबत्ता आज कोई ये कहता है जरा दूसरे अंदाज से जवाब है ये सूद वो सूद नहीं है जो जमाने में हुआ करता था तो कल को कोई ये भी कहेगा ये सूर जो आज यूरोप में पाले जाते हैं बल्कि दुनिया में पाले जाते हैं और इस्तेमाल किए जाते हैं ये सूवर वो सूवर नहीं है उस दौर में हुआ करते थे परसों कर, ये शराब जो आज हम पी रहे हैं ये शराब वो शराब नहीं कि जो चौदह सदियों पहले पी पी जाती थी फिर तो दीन में बचेगा क्या मुझे बता दीजिए आप जी तो बात वही है कि दिल के चोर का मामला और जो आपने मीशत का मामला छेड़ा जरा रसूलुल्लाह की वो अहदीस तो बयान करवाइए सल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हिला देने तो वाला अंदाज़ है हुजूर फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने माजा की हदीस है कि सूद के गुनाह के सत्तर दर्जे हैं कमतर दर्जा यह है कि कोई अपनी माँ के साथ मुंह काला करे कभी कभी हमारी अकल में किसी बुराई का बुराई होना समझ में नहीं आ रहा होता तो कभी अल्लाह ताला कुरान पाक में हमने गिबत के मौजू पर गुफ्तू की थी तो गिबत क्या है तो इसी में जिक्र आता है मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे आई जितना ये गंदा इतना गिबत करना गंदा बुरा नहीं लगता तो अल्लाह ने झुलझरी वाला अंदाज हमारे लिए कि तुम तो मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हो इसी तरह सूद बुरा नहीं लग रहा बजाहिर लोगों को हालांकि तबाही हमारे सर पर खड़ी इन सूदी कर्जों की वजह से आज मेरे आपके हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होगा वो पौने दो लाख रुपए का मकूल

किसी की सेवा कुछ नहीं होता अल्लाह के पैगम्बर फरमाई सूद लेने वाले देने वाले लिखने वाले मुहिदा करने वाले पर और आपने फरमाया कि चारों के चारों इस में बराबर के शरीक हैं। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है इसके बाद को ये कहता है और उम्मती होने का दावा करता है कि इस सूद के बगैर गुजारा नहीं ये तो बड़ा अजीब मामला है इसके बगैर मीशत कैसे चलेगी तो अपने दिल में झांक कर देखें क्या रसूलुल्लाह पर एतमाद है कि नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की, 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 की ज़ात पर एतमाद है कि नहीं आपने औरत की बात की आपने बजा फरमाया था कुछ अर्से पहले प्रोग्राम के अंदर कि मगरबी माशरे में वो लोग कि बेखुदा तहजीब के दिल दादा हैं उनको हज़म नहीं है कि हम सूद के खिलाफ बात करें उन्हें हज़म नहीं कि हम औरत के पर्दे की बात करें उन्हें हज़म नहीं है कि हम अल्लाह तला की हाकमियत की बात करें क्यों इन सारी बातों से उनके पर जरबे पड़ती है जब आज मेरी बेटी जहरा ताला की चादर इंडस्ट्री पर लात मारती है जो औरत को खिलवाड़ बनाकर लोगों के जज्बात को भड़का कर अपनी तिजोरिया भरने का धंधा लोगों ने शुरू कर रखा है तो जब हम इफ पाकिस्तान तो इनके मफादात पर जरब पड़ती है जो दुनिया के दहशतगर्द आलमी मीशत के जरिए जिन्होंने दुनिया पर कब्जा किया है जब हम सूद की हरमत की बात करते हैं सूद के खिलाफ बात करते हैं जो ओल्ड टेस्टमेंट में मना है न्यू टेस्टमेंट में मना है इवन हिंदुओं के अंदर के भी मना है और हमारा दीन तो मना ही उसको, तो उनके पर गुलामी से निकाला जाए ये खिलाफत का तस्वुर यह अल्लाह की हाकमियत का तस्वुर इन दुनिया के बदमाशों से दहशत गर्दों से हजर नहीं होता यह तो कभी पसंद नहीं करेंगे छोड़े उनको हम तो मुसलमान हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाम के नाम लेवा है अल्लाह का, कला... का कलाम कलाम वायद आप बयान फरमाना चाह रहे थे वकर न फी बुती कुन्ना, अपने घरों में करार पकड़ो औरत का असल मकाम घर है जरूरत के घर से बाहर जाएगी हिजाब का अहतमाम करेगी और औरत जब घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसे ताकता है जी कौन फरमा रहा है अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद पैगम्बर मोहम्मदा सल्ला है और जब औरत घर में रहती है तो अपने रब के ज्यादा करीब होती है और फरिश्ते उसकी निगहबानी करते हैं या अल्लाह अल्ला के रसूल फरमा रहे और आज कोई आगे बढ़कर जो है वो औरतों की आजादी की बातें करे और उनकी बेलिबाज मेरा जिसम मेरी मर्जी जी जी मेरी और किस में इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान में ये काम हो रहा है जी और इस आजादी के नतीजे में हम क्या देना चाहते हैं औरत को वो के जहां वो बेचारी सी सकती फिरती हो जहां वो एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होती हो जहां उसका एंड ओल्ड जाके फेंक दिया जाता हो और उस ओल्ड हाउस को भी पर चलाने वाले कुछ मर्द ही हुआ करते हो और जब दीन कहता है कि औरत को मर्द की प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए औरत बीवी है तो शोहर की जिम्मेदारी है बेटी है तो बाप की जिम्मेदारी है अगर शोहर का इंतकाल हो गया तो बेटे की जिम्मेदारी बन जाएगी भाई की जिम्मेदारी बन जाएगी एक औरत को अल्लाह के पहले हजम नहीं हो रहा आजादी के नारे लगाना चाहते हैं औरत को एक मेफिल कर, एक उसको के हवाले कर नहीं। नहीं। देना चाहते हैं हम खुद अपनी तबाही का सामान अपने अगर मोहम्मद की खिलाफ वर्जी करेंगे

जिस पर तीन फुप्पियों की किफालत आ जाए जिस पर तीन खालाओं की किफालत आ जाए उसको रसूल ने जन्नत की जमानत अदा फरमाई है, है। बीवी के बारे में वो लुकमा जो माँ बाप को खिलाओ तुम अपनी बीवी को खिलाओ अपनी औलाद को खिलाओ ये बेहतरीन सदका है तुम्हारे लिए ये अगर अगर आज ये नजारा कहीं नजर आता है अल्लाह की कसम है अखदार खत्म नहीं हुई यह भी हजूर की तलीमत का सदका है हम तो गुजारिश करना चाहेंगे उन घरानों में उनषरों में देख लें जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा की तारीख

जब तक ही ना हो इन चीजों से में असर नहीं है सकता ये असल में रूह बदन बदन है, है, है। और तमाम बातें तो मुझे अल्लाह के रसूल सल वसलम का एक फरमान याद आ रहा था कि देखो ये औरतों के ताल्लुक से अल्लाह से डरते रहो क्योंकि अल्लाह को गवाह बनाकर तुमने इनका हाथ ये निकाह में जरूर जी जी। ये बयान किया जाता है ये मौजूद का जिक्र हो रहा है अल्लाह से डरने का जिक्र हो रहा है आप तो निकाह पढ़ाते रहते हैं अल्लाह देखो अल्लाह से डरते रहो क्योंकि अल्लाह को गवाह बनाकर तुमने इनका हाथ अपने हाथ में लिया है अली साहब देखे ना सुबहान एक औरत नाम है जिससे बंदा फिर निकाह में उसको लेता है क्या बात बीच में लेकर आता है

हम सब को मालूम है हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा का मामला हुजूर को वो ले गई हैं तफसीली वाकया है उनकी जो जिस घड़ी पर वो सवार होकर आई थी वो बड़ी लागर सी थी जब वापस पूरा काफिला जा रहा है तो हलीमा सादिया की जो घड़ी थी हमें कहना पड़ा समझाने के लिए वो तेज़ दौड़ना शुरू हो गई हलीमा के शहर हारिस जब घर में हुजूर ले आए लेकर आई हुजूर को दूध पिलाने के लिए बीबी आमना ने इनके हवाले किया तो उस इलाके में जरा कुछ कहत का मामला भी था बकरियों के थन भी सूख चुके थे उन बकरियों के थनों में दूध भी आना शुरू हो गया हलीमा सादिया का अपना जिस्म अल्लाह ताला ने इस काबिल बना दिया कि उनके वजूद में दूध अल्लाह ताला ने जारी फरमा दिया बकरियां भी चर रही हैं तो मोहल्ले वाले कहते थे अपनी बकरियों को वहाँ पर चलाओ चराओ जहाँ हलीमा सादिया की बकरियाँ चरती हैं तो हारिस से सवाल किया हलीमा सादिया से यह हलीमा क्या हो गया तुम्हारे वजूद में तो दूध का मामला भी नहीं था दूध भी आ गया ये बकरियों के थन सूख गए थे उनमें भी दूध जारी हो गया और ये तुम्हारी घदी भी बड़ी लागर सी थी इसने दौड़ना शुरू कर दिया ये दिल के कानों से और मुसंद रिवायत दिल के कानों से सुनने वाली बात है हलीमा सादी ने कहा मोहम्मद आ गए मोहम्मद आ गए सल असल्लम आज हमारे घरों में भी मोहम्मद मुस्तफ़ा आपने कुरान पाक का जिक्र किया हुजूर के अखवाल को ले आइए हुजूर के आमाल को ले आइए के रवैयों को ले हुजूर के अखलाक और किरदार को लेकर आ जाइए मैं बाप हूँ तो मैं मुसलमान उम्मती बाप बन जाऊँ, मैं उस्ताद हूँ तो मुसलमान उम्मती उस्ताद बन जाऊँ, मैं अगर शोहर तो मुसलमान उम्मती शोहर बन जाऊँ तो मोहम्मद हमारे घर में सल अमर करते आज भी महसूस करेंगे इन अकबर अल्लाह अकबर फिर यहाँ एक बहुत अहम बात बयान की जा रही कि देखो तुम अपनी आवाज़ों का अगर बलन करोगे रसूल की आवाज़ से सल्हुह वसम तो तुम्हारे आमाल ज़ाय हो जाएंगे और तुम्हें उसका शऊर भी नहीं होगा मेरा सवाल जरा इसको वाजी कर दीजिएगा और सवाल मेरा यह है कि क्या कोई एक गुना यानी कोई एक कोई ऐसा ऐसा एक एक गलती हमारे दीगर अमाल को भी ज़ाय कर देती है अनीस साहब यही तो बताया जा रहा है यहाँ पर जैसे शिर के बारे में भी क्या है अगर तुमने शिर का रवैया अख्तियार किया तुम्हारे सारे अमाल हफ्त हो जाएंगे अच्छा इसकी बहुत सिंपल सी मिसाल जरा जरा एक लॉजिकल मिसाल है आप मुझे फरमाइए किसी एक बंदे ने पूरी ज़िंदगी अपनी सेहत का ख़्याल रखा हो ठीक और खूब वेट लिफ्टिंग की है बॉडी बिल्डिंग की है स्पोर्ट्स खेला और आपने आपको फिट एंड मेनटेन रखा पचास बरस के बाद जाके एक जहर का प्याला पी लें क्या होगा सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी यहाँ इतनी हसासीयत बताई जा रही है तुमने ईमान के दावे भी किया होगा तुमने नेकियां भी की होंगी तुमने बड़े अमाल भी अंजाम देने की कोशिश की होगी मगर हमारे पैगम्बर की इस शान में तुमने अगर बेअबी का मामला किया बार। ये बार। एक तनहा गुना ऐसा है कि तुम्हारी सारी मेहनतों को बर्बाद कर संगीनी बयान की रसूल की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद करना तुम्हारे जो अमाल यानी निकिया वो नेकियां भी जय हो जाएंगी और तो में उसकी खबर भी नहीं होगी अल्ला अल्लाह अकबर अल्ला अल्ला आखिरी सवाल लास्ट टू मिनट्स अब अपनी आवाज को बुलंद ना करना आज हम जब रोजे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़े होते हैं तो रोजे पे खड़े होने के भी कुछ आदाब हैं बिल्कुल आपने ने बजा फरमाया और आपके सवाल से दो तीन पहलू याद आ गए आज आवाज से आवाज बुलंद ना उसके कुछ नंबर एक जब हदीस रसूल बयान हो तो ये कौले रसूल है ना सल्ल सल्ला तब्जो से सुने जैसे कुरान का दब है हदीस से रसूल का भी है अदब्ला <स्थित> इसी तरह कभी आपकी मेरी डिबेट हो जाए किसी दो अफराद की डिबेट हो जाए और आप अपने मौकफ़ के लिए दलील के तौर पर रसूल पाकर इस्लाम का कोर्ट पेश कर दें मेरे ईमान का तक मैं खामोश हो जाऊँ अब मैं कहूंगा तो रसूल की बात पर बात कर रहा हूँ Allah मेरे ईमान का तकादा मैं खामोश जाऊँ ये बहस बाद में देख लूंगा कि ये हदीस रसूल पाक की है या नहीं, हुआ और नहीं। है, है तो बाद में मैं देखूंगा इस वक्त जब आपसे और आप अपनी दलील के तौर पर कॉल पेश कर दें मेरे ईमान का तकादा मैं खामोश होकर सरेंडर कर दूर अदब है और रोज़ा रसूल का मामला सल अला उमर का मामला रजियला कुछ लोग मदीना शरीफ से बाहर से कुछ जरा आवाज़ें बुलंद हुई तो जब मालूम हुआ कि बाहर से आए तो उनको छोड़ा वरमा कर तुम मदीना के होता है यही खड़े करके मैं तो दुरे लगाता ये आयत करीमा वहां लिखी है कि अपनी आवाजों को नबी नबीम की आवाज़ से बुलंद न करना तो वहाँ तो एक गुलाम जैसे होता है ना एक गुलाम की हैसियत में ये जो आजकल स्मार्टफोन चल रहे हैं सेल्फीज़ चल रही हैं लाइव टेलीकास्ट चल रही है सब कुछ चल रहा है भाग रहे हैं चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं, ये इनतहाई बेअदबी अदबी इंतहाई बेअबी इंतहाई बे, इंतहाई बे, इंतहाई बे का मामला है एक ग़ुलाम जैसे हाज़िर होता है गोया के इस कदर आहिस्गी के साथ आहिस्ंद में दुरुस्त पेश करना सलाम पेश करना और निगाहों को नीचा रखना ये अदब ही असल शे है भाई अदब है जैसे अल्लाह ताला तकवा के बारे में फरमाते हैं की निशानी है उनका अदब करता है और अब ये दिलों के तकवा में से है तो अलैहि सलाम का रोज़ा हुजूर की मस्जिद खुद अल्लाह निशानियों में से है और वो जन्नत व तो जन्नत का एक हिस्सा भी है ना तो इन शा इन मकामात का अदब अगर करते हैं तो ये तकवा है और नहीं करते तो अल्लाह हिफाजत फरमाई बेअदबी की सजा क्या है वो हमारे सामने आ चुकी है मोहम्मद होशियार सल्लल्लाहु शेख साहब हम आपके बड़े शुक्र गुजार हैं आप तशरीफ लाए और, ये की आयात एक और दो बिल्कुल तफसील के साथ आपने बयान इसके फरमाएफूम आज हमें क्या करना है वो भी आपने बताया कि टू डूज के हमारे काम क्या हैं हमें अपने घरों का माहौल कैसा रखना है कुरान करीम की तालीमात क्या हैं अल्लाह के रसूल वसल्लम हमें कैसा देखना चाहते हैं कहाँ देखना चाहते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम की आवाज़ के सामने आपके फरमदात के सामने हमें अपनी आवाज पस्त रखनी है शेख साहब मैं आपका बड़ा शुक्रिया आपको अच्छा रखे वक्त मुकम्मल हुआ हमारे आज के प्रोग्राम का खबीन हजराज कल का सवाल ये था कि अल्लाह तला ने किस कौम को गाय जबाह करने का हुक्म दिया था दुरुस्त जवाब कौम बनी इसराइल को आज का सवाल नोट फरमा लीजिए किस पैगम्बर की कौम पर ऊँटनी को कत्ल करने के नतीजे में अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था हजरत यूनुस सलाम की कौम पर या हजरत सलाम की कौम पर या हजरत अयूब की कौम पर जो दुरुस्त जवाब आप समझते हूँ रवाना फरमाइए हमारे फ़ोन नंबर हैं जीरो ज़ीरो नाइन डबल टू वन थ्री फोर फाइव टू सेवन डबल ज़ीरो नाइन हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है जीरो ज़ीरो नाइन डबल टू वन थ्री फोर थ्री डबल जीरो नाइन एट जीरो हमारा ई मेल एड्रेस पी एस एट दुनिया टी वी डॉट टी वी हमारा एस एम एस का नंबर थ्री जीरो थ्री वन और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है जीरो जीरो नाइन टू थ्री टू वन एट टू फाइव ज़ीरो वन नाइन फोर कबीला एक पर्ची निकाल कर आप ऐलान फरमा दीजिए आज के विनर कौन हैं जी अब्दुलसुबहान खान सियालकोट से सियालकोट, जी अच्छा अब्दुलसुबहान साहब सियालकोट से आपकी खिदमत में दुनिया टीवी वी की जानब से दीनी कुतुब पर मुशतमिल गिफ्ट पर हम आपके घर रवाना कर रहे हैं आपको बहुत बहुत मुबारक हो इख्तिताम होता है पयाम सुब का रोज़ाना है कॉल पर और वो कॉल होता है साहिब नहजुल बलागा अमिरमिन हज़रतली मुर्तज़ा करमल्लाजू का आप फरमाते हैं कि जो अल्लाह से डरता है वो उसके अजाब से महफूज रहता है जो अल्लाह से डरता है वो उसके अजाब से महफूज रहता है सुबह अल्लाह सुबहान अल्लाह अल्ला। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए खुदा